दोस्तों जुलाई का महीना आ गया है और लगभग 2 सालों के बाद में कोरोना काल के बाद में अब दोस्तों स्कूल खुले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या स्कूलों में टीचर्स बच्चों को पीट सकते हैं या उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दे सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है एडवोकेट राजेश लोधी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं इंडियन कानून के बारे में, भारतीय कानून क्या कहता है बच्चों को पनिशमेंट देने के ऊपर और बच्चों की सुरक्षा के ऊपर। तो दोस्तों अगर कोई टीचर किसी बच्चे को पीटता है, उसको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, या कोई टीचर डिसिप्लिन सिखाने के लिए बच्चे को पीटता है या फिर उसको प्रेशर करता है या मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो ऐसे टीचर को तो दोस्तों जुवेनियल एक्ट के सेक्शन 82 के तहत 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो पुलिस उस टीचर के ऊपर या फिर जिस व्यक्ति ने उस बच्चे को पीटा है या मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, उसको जुवेनियल एक्ट के सेक्शन 75 के तहत 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों एक बात और हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो कानून है ना सिर्फ टीचर्स के लिए है बल्कि सभी लोगों के लिए है। जैसे कि माता पिता हैं या घर में कोई और सदस्य है या फिर कोई भी व्यक्ति जो है बच्चों को पीट नहीं सकता है, ना ही उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है। अगर आप भी अपने बच्चे को डांटते हैं या फिर पीटते हैं तो ये जो सेक्शन है आप पर भी लागू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और हम आपको बता दें कि अगर आप किसी बच्चे को किसी टीचर के द्वारा प्रताड़ित होता हुआ देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और उसको आप उस टीचर को कैसे सबक सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति जिसके द्वारा मारपीट की जा रही है, बच्चे को डांटा जा रहा है, आप उसकी वीडियो बनाइए, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है सबूत के तौर पर आपको काम आएगा। साथ में आप उस व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं लोकल पुलिस थाने में या फिर आप जो है बाल कल्याण समिति में भी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक आप जागरूक नहीं होंगे आपके बच्चे का शोषण होता रहेगा और आपके बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहेगा। अगर आप ये लॉ जानेंगे, आप देश के कानून को जानेंगे, तो आप टीचर से भी बात कर सकते हैं, उनको सेक्शन बता सकते हैं, इस सेक्शन के तहत जो है टीचर पर कार्रवाई हो सकती है या फिर किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है जो बच्चों को पीटता है या फिर उनको प्रताड़ित करता है। तो अगर आपको डिटेल में दोस्तों कोई जानकारी और चाहिए है इसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करिए और आपको हम जो है कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे, या फिर हमें ऐसा लगा कि हम कमेंट के माध्यम से आपको डिटेल में नहीं समझा पाएंगे तो उसका सेपरेट वीडियो बना करके हम अपने चैनल पर डालेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।